क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है वर्ण विचार। क्या नेम है जिसका? वर्ण विचार। ओके ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर सेकंड जिसका नेम है वर्ण विचार। क्या नेम है? वर्ण विचार। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण किसको कहते हैं? किसको कहते हैं वर्ण? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके क्या नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके क्या नहीं किए जाते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ओके, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके क्या नहीं किए जाते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जाते। ओके, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इन ध्वनियों को? इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके क्या नहीं किए जा सकते? इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? कुछ ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को ही क्या कहते हैं? इन ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं, जो क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के क्या नहीं होते? वर्ण के और टुकड़े नहीं होते हैं। ओके, ये क्या है? भवन, लड़की, बाग। उपयुक्त शब्द कुछ ध्वनियों से मिलकर बने हैं, जैसे भवन, भय, भय, वह, व, न। भवन, भय, व, न, कितनी ध्वनियां हैं? छह ध्वनियां हैं। क्या है? छह ध्वनियों से मिलकर बना है। भवन शब्द कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है? छह ध्वनियों से मिलकर बना है। जैसे लड़की शब्द ल, ड, क, ई, कितनी ध्वनियां? इसमें भी छह ध्वनियां हैं। तथा बाघ शब्द ब, आ, ग, ए, कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है? चार ध्वनियों से मिलकर बना है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। इन ध्वनियों के क्या नहीं हो सकते? इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। ओके, प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। प्रत्येक भाषा के क्या होते हैं? प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं जिन्हें एक सही क्रम में लिखने पर, जिन्हें एक सही क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है। जिन्हें एक सही क्रम में लिखने पर क्या बनती है? जिन्हें एक सही क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार है। हिंदी की क्या है? वर्णमाला निम्न प्रकार है। ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ,
वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला जो वर्णों का जो समूह है होता है, जब हम वर्णों को एक साथ लिखते हैं, तो वर्णों का क्या बन जाता है? वर्णों का समूह है बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्णों का समूह है बन जाता है। जब हम वर्णों को एक साथ लिखते हैं तो वर्णों का क्या बन जाता है? वर्णों का समूह है बन जाता है। जब हम वर्णों को एक साथ लिखते हैं तो वर्णों का क्या बन जाता है? वर्णों का समूह है बन जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओके, वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है होता है, व्यवस्थित समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? दो वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में? कौन कौन से वर्ण होते हैं? पहला कौन सा होता है? स्वर। कौन सा होता है पहला? स्वर। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ओके, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर किसको कहते हैं? किसे कहते हैं स्वर? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर है। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर है। कितने हैं? 11 स्वर है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए आ ई ई उ री ए आई ओ औ ए आ ई ई उ री ए आई ओ औ स्वर किसको कहते हैं?
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हमें स्वर को बोलते हैं, जब हम स्वर को बोलते हैं तो क्या नहीं पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या नहीं पड़ती है? किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर है। कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन से हैं? ए आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ आउ ओ आउ। ओके, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। ओके, अब हम क्या देखते हैं? स्वर के भेद। कितने भेद होते हैं स्वर के? स्वर के तीन प्रकार होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर। कौन सा है? ह्रस्व स्वर। अगला दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कितने स्वर हैं? कितने हैं? तीन है। कितने स्वर हैं? स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर के प्रकार तीन होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर चार हैं। कितने हैं? ह्रस्व स्वर चार हैं, ए ई ऊ री। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर चार हैं। दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? कितने हैं? दीर्घ स्वर सात है। कौन कौन से? आ ई ऊ ए आई ओ औ। कौन कौन से हैं? आ ई ऊ ए आई ओ औ। प्लुत स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तीन गुना अधिक समय लगता है, ऐसे स्वर वर्ण प्लुत स्वर किसको कहते हैं? प्लुत स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तीन गुना अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ओ में प्रयुक्त को प्लुत स्वर माना जाता है। इसका प्रयोग अब नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्लुत स्वर का प्रयोग अब नहीं होता है। क्या नहीं होता? अब नहीं होता है। तो स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर के तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आज आपको क्या करना है? जो हमने आज अच्छे से पढ़ा है उसको आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।